What happens is that tribal children are left behind, or they sleep on the road itself. They also travel with the parents, and they get neglected because parents are working on some construction site. बच्चे को काम जहाँ जहाँ करते थे वहाँ ले जाते थे तो घाम पड़ जाता था, भूख प्यास लग रहा था। और फिर अब जब फुलवारी खुला है तो बच्चे को खाना ठीक से मिल पा रहा है। Our main emphasis in addressing the malnutrition is providing cooked meal to the pregnant and lactating mothers, because in the tribal areas they don't get proteinaceous diet properly. फुलवारी में 10 बच्चे हैं तो 2 माँ लोग आते हैं, खाना खिलाते हैं, फिर दूसरे दिन फिर दूसरी माँ आ जाते हैं, फिर बारी बारी से उसे करते रह। ये बच्चे अब एक जगह आ जाते हैं, माताएं एक जगह मिल जाती हैं, तो हेल्थ वर्कर्स के लिए या हेल्थ एजुकेटर्स के लिए, मितानिन के लिए, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं ANM, उनके लिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए, उनके लिए आसान हो जाता है इन माताओं और बच्चों तक पहुंचना और उन पर एक सतत एक निगरानी रखना। जैसे आपने खेत पे या मजदूरी करके या जंगल से लकड़ी ला के बेचना, वो जो पैसे बड़ी मेहनत से कमाते हैं वो उनकी पैसे बच रहे हैं, बहुत अच्छे से उनका पैसा बच रहा है, तो उस पैसे से अपना खेती में लगाओ या बच्चों को खिलाने पिलाने में या घर का दूसरे काम में लगा दो। 2-3 पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स हैव हैपेंड। वन इज द एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, बिकॉज हियर द वीमेन दे मैनेज एवरीथिंग, दे सेलेक्ट द प्लेस, दे सेलेक्ट व्हाट टू फीड द चिल्ड्रन, दे रन द एंटायर शो एंड वी हैव गिवन देम अ फ्री हैंड। This is a replicable model. Not only replicable, it is probably the only solution that is available for this vexing problem of how to ensure that children below 3 years of age get enough food so that they grow up well and they grow up without illnesses.